देखिए अभी अपन ने पिछली क्लास में हमने शेप्स तक बता दिया, ठीक है, फॉर्मेटिंग पूरी हो गई, ठीक है, कुछ पूछना है क्या? शेप्स लेने के बाद इसमें फॉर्मेटिंग भी नहीं पूछना? यहाँ पर ये साइज का है, शेप का साइज, यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और यहाँ से विड्थ, जैसे अपन यहाँ वो तो यहीं से भी कर, यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और हाइट बढ़ानी है, कम करनी है, ठीक है। और इतना ध्यान रखा करो आप, अगर आप यहाँ ये वाले जो पॉइंट दिए गए हैं यहाँ से आप बढ़ाते हो या कम करते हो तो क्या होता है, उस शेप का जो साइज रहता है, जो मेन उसका शेप रहता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने इसका कम कर दिया, शेप चेंज हो गया, लेकिन अगर आप साइड से करते हो, छोटा या बड़ा ही करना है आपको, मतलब शेप जैसा है वैसा ही रखना चाहते हो, लेकिन या छोटा करना है या बड़ा करना है, तो आप यहाँ से साइड वाले ये जो यहाँ पर एरो है यहाँ से किया करो आप। अगर आप यहाँ से करोगे तो क्या होगा, पतला हो जाएगा या मोटा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला बता देते हैं, इसमें इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में ही अगला है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पर हम क्लिक कर रहे हैं। अब पहले अपन सीखते हैं इसका यूज क्या होता है, स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट के माध्यम से आपको कोई चीज समझानी है तो आप और भी आसानी से समझा सकते हो, जैसे कि अभी सिलेक्ट है यहाँ पर ऑल, जब आप स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो पहले आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स में आप किस टाइप का स्मार्ट आर्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक किया, आपको किसी चीज में, मतलब कोई आपको दो तीन चीजें हैं उसमें आपको कोई चीज की लिस्ट बतानी है कि पहले ये चीज आती है, फिर ये आती है, फिर ये आती है, इस तरह से, या फिर प्रोसेस पर हमने क्लिक किया तो प्रोसेस से रिलेटेड आ गए, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर प्रोसेस वाला सिलेक्ट कर लिया। प्रोसेस यानी आपको दिखा बताना है, जैसे कि शुगर होती है, पहले गन्ना लेते हैं, फिर उसमें से रस निकलता है, फिर शक्कर बनती है, इस तरह से आपको किसी चीज की प्रोसेस दिखानी है तो आप यहाँ से प्रोसेस वाला स्मार्ट आर्ट ले सकते हो। साइकिल, साइकिल वाला स्मार्ट आर्ट, किसी का आपको साइकिल बताना, जैसे कोई चीज रिसाइकल होती है, कि आप यहाँ पर देखिए जो भी लेंगे यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिखा रहा है, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख लिया, जैसे कि वो होता है कि पहले बारिश होती है, फिर बारिश का पानी समुद्र में जाता है, समुद्र का जो पानी होता है वो भाप के रूप में बादल बनता है, फिर बादल से पानी गिरता है, मतलब बारिश होती है, फिर वही प्रोसेस दोहराते रहते हैं, तो आप इस तरह से अगर वो चीज दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे साइकिल वाला ले सकते हो, ठीक है। राइट जी, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कोई लिस्ट टाइप की, जैसे कि हम इसमें से ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, अलग अलग रिलेशनशिप दिखाना है किसी चीज में, मैट्रिक्स लेना है तो आपको जैसा भी लेना, पैरामिड, ठीक है, पिक्चर वाले लेने हैं तो इसमें क्या रहेगा पिक्चर वाले में, कि आप कुछ लिख भी सकते हो और पिक्चर भी ले सकते हो। पहले हम यहाँ पर ये वाला, इसमें से कोई सा भी जो भी आपको सही लगे आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है, हम ओके कर देते हैं। तो आपके सामने इस तरह से कुछ बॉक्सेस आ जाएंगे और उसमें यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ आएगा टेक्स्ट टेक्स्ट, और जैसे ही आप कोई स्मार्ट आर्ट लेते हैं तो आपके सामने डिजाइन और फॉर्मेट टूल टैब बढ़ जाते हैं, ठीक है। स्मार्ट आर्ट टूल्स में बाहर क्लिक करेंगे, कहीं पर भी बाहर क्लिक होगा तो नहीं आएंगे, और इसमें क्लिक रहेगा तो आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमें यहाँ पर हमने लिख लिया कंप्यूटर, ठीक है, इसके बाद हमने लिख लिया, कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिया हार्डवेयर और यहाँ हमने लिख दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम हार्डवेयर के नीचे हार्डवेयर की जो भी रहते हैं, जैसे हार्डवेयर कौन कौन से रहते हैं वो लिख देंगे, सॉफ्टवेयर कौन कौन से रहते हैं वो लिख देंगे, लेकिन अभी देखिए यहाँ इसके नीचे एक ही आ रहा है, इसके नीचे दो आ रहे हैं, यदि आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, अभी आपको इतना समझ में आ गया हम स्मार्ट आर्ट का यूज क्यों करते हैं, आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने दो टैब बढ़ जाते हैं, डिजाइन और फॉर्मेट। डिजाइन पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है ऐड शेप डिजाइन में, मान लीजिए हमने यहाँ पर हार्डवेयर में लिख दिया है कीबोर्ड, हार्डवेयर है, हार्डवेयर क्या होते हैं जो हम
जिन्हें हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा क्लिक कहाँ हो गया था, यहाँ पर क्लिक था और हमने कोई सी भी की दबा दी तो वो हट गया था। हमें इसमें कुछ लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, कीबोर्ड, माउस और जो भी प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी हार्डवेयर ही है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमें एक शेप ऐड करना है। क्लिक हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर इस वाले शेप में, तो हम क्या करेंगे, ऐड शेप। तो देखो इसके पास ही एक और शेप ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, जो जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल और ये जो हमारे मौजूदा फायरफॉक्स, जिन्हें मतलब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर रहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें एक और ऐड करना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड शेप पर क्लिक करते जाएंगे। ऐड शेप पर क्लिक करते जाएंगे तो देखिए यहाँ पर शेप आता जा रहा है, आते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर साइड में ऑप्शन दिएगा, ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप अबव, ऐड शेप बिलो। जैसे कि हमने ऐड शेप बिलो कर दिया तो क्या हो गया, मान लीजिए हम एक्सेल की दो शाखाएं लिखना चाहते हैं, एक्सेल के अंदर कोई चीज रहती है उसकी दो चीजें लिखना चाहते हैं या फिर उसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड शेप बिलो, यानी नीचे, हमें इसके नीचे एक और शेप चाहिए। आ रहा है समझ में, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद यदि आपको बिफोर से ये ठीक है, तो ये पास में आ जाएगा, बिफोर या आफ्टर में। आ रहा है समझ में, इस तरह से कर सकते हैं। ऐड शेप ऑप्शन वाला वाला ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको पहले डिलीट कर देते हैं। आपको क्लिक का ध्यान रखना है कहाँ पर आपका क्लिक है। इसके बाद ऐड बुलेट्स, ऐड बुलेट्स पर क्लिक करेंगे, इसमें बुलेट्स वगैरह देने के लिए। अभी हमने एक ही चीज ली है, ये इस वाले में हाईलाइट नहीं होगा, जब अपन देखते हैं इसमें आता है या नहीं आता। यहाँ पर अगर आप और किसी टाइप का स्मार्ट आर्ट लोगे तो उसमें ऐड बुलेट और डीमोट और प्रमोट डीमोट ये सब हाईलाइट होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पर है टेक्स्ट पेन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी स्मार्ट आर्ट लिए हैं यहाँ पर, जैसे कि आप, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा बड़ा दिखने लगे। यहाँ पर हम टेक्स्ट पेन पर क्लिक करेंगे, हमने कंप्यूटर क्लिक किया, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। इसकी जगह पर हम कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमने ये कुछ लिख दिया था, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से भी डिलीट हो गए। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर की जगह पर या फिर हम एमएस वर्ड की जगह पर यहाँ पर ये हमने लिखा एमएस लिख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर चेंज हो गया। टेक्स्ट पेन से आप क्या कर सकते हैं, कोई चीज आपको यहाँ पर लिखनी है तो आप यहीं से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है राइट टू लेफ्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस साइड का जो है वो इस साइड पहुंच जाएगा और इस साइड का जो है वो इस साइड पहुंच जाएगा। ये कीबोर्ड ऊपर आ गया, इसको अपन नीचे कर देते हैं, अभी कर देंगे, रुकिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर प्रमोट और डीमोट, यदि आप प्रमोट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जो आपका डीमोट कर देते हैं पहले, तो हम इसको ये वाले जो ऑप्शन है वो हम आपको इसको हटा देते हैं। इतना समझ में आ गया, अभी हमने आपको ऐड शेप, टेक्स्ट पेन ये बता दिया, इतना समझ में आ गया। अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और स्मार्ट आर्ट का क्या यूज होता है ये भी समझ में आ गया, है ना। क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हम इंसर्ट में जा रहे हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं स्मार्ट आर्ट में, और अब हम ये ले रहे हैं साइकिल वाला या फिर प्रोसेस वाला, साइकिल वाला ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ओके करेंगे। अब हमने इसमें कुछ लिख लिया, अभी हम कुछ भी लिख देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये देखिए ऑप्शन, जब हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए ऐड बुलेट्स वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया। ऐड बुलेट पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप बुलेट वगैरह देना चाहते हैं, बुलेट्स क्या होते हैं जो हमने उसमें पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड बुलेट करेंगे तो ऐड बुलेट किस लिए करते हैं, आपको कोई लिस्ट बनानी है उसमें, तो आप इस तरह से ये देखिए बुलेट्स आ रहे हैं नीचे,
तो इस तरह से आप ऐड बुलेट पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, डीमोट और प्रमोट और डीमोट। अगर आप डीमोट पर क्लिक करेंगे, सॉरी पहले प्रमोट पर क्लिक करते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक शेप बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम प्रमोट पर क्लिक किया तो क्या हुआ, एक शेप बढ़ गया। अब हमें एक शेप कम करना है तो हम डीमोट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से कर सकते हो या फिर यहाँ से कर सकते हो। इतना क्लियर है। अब इसके बाद राइट टू लेफ्ट, पहले हम यहाँ से ऐड बुलेट वाला जो ऑप्शन है ये हटा देते हैं। हाँ, अभी आपने जैसे यहाँ पर हम गए, जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, डीमोट कर दिया, कम हो गया, प्रमोट कर देंगे, एक ही बार कर सकते हैं प्रमोट। और बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पर ऐड शेप पर जाइए, यहाँ पर ऐड शेप आफ्टर या ऐड शेप बिफोर, इनमें से क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जितने चाहें उतने शेप्स बढ़ा सकते हैं, देखिए बढ़ रहे हैं, यहाँ से आप एक ही बार कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, जैसे कि आपको इनका डायरेक्शन चेंज करना है। अब हमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए पहले एक दो शेप्स डिलीट करने होंगे, मतलब आप अभी भी कर सकते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे। ठीक है, अब कैसे आ रहे हैं, बी सी डी और ई, इनका आपको डायरेक्शन चेंज करना है। हम राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इस साइड का इस साइड पहुंच जाएगा और इस साइड का इस साइड पहुंच जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे हमने पिक्चर ऑप्शन में पढ़ा था, यहाँ से आप जो भी स्टाइल लेना चाहते हो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब वो जैसा आपने शेप लिया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर कलर चेंज, यहाँ से कुछ बनी हुई स्टाइल से कुछ बनी हुई स्टाइल से आपको जो भी स्टाइल लेनी है आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो आपने यहाँ से स्टाइल ली है उसमें कोई आपको इफेक्ट वगैरह चाहिए, जैसे कि इस तरह से दिखाना है, जो अपन इफेक्ट डालते हैं ना, 3D रोटेशन, या फिर आपको यहाँ से कुछ अलग टाइप का इफेक्ट देना है तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। देखिए अलग हो गया, पहले से पहले नॉर्मल था, अब थोड़ा सा अलग हो गया। इतना समझ में आया, इतने में किसी को कुछ पूछना है क्या? टेक्स्ट पेन पर आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर जो भी लिखा है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ से अगर आप चेंज करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ लिखा, देखो वहां पर लिख रहा है, ठीक है, तो ये टेक्स्ट पेन लेकर आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे आप एक एक पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से क्या आप एक एक पर यहीं से डायरेक्टली लिख सकते हो जो भी आपको लिखना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मोर लेआउट पर दिए गए, देखिए लेआउट मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ से इंसर्ट पर गए थे, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट आपको जो भी लेना है आप उसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ से ओके कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ से हमने ले लिया, लेकिन हम जो स्टाइल ली है उसको चेंज करना चाहते हैं, मतलब स्टाइल तो मतलब जो लिखा है वो वैसा का वैसा रहना चाहिए लेकिन इसकी स्टाइल चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, यहाँ से हम लेआउट लिखा हुआ है यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो जैसा भी आपको लेना है। ठीक है, डिजाइन चेंज कर सकते हो। अगर मोर लेआउट्स में जाओगे तो यहाँ से मान लीजिए पहले हमने यहाँ से इस टाइप का लिया था, मतलब ये जो हमने लिस्ट वाला या फिर साइकिल वाला लिया था, इसमें से हम कोई और लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें ये वाला चाहिए और हम यहाँ से ओके कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, आपने जो लिखा था वो वैसा का वैसा रहेगा, बस उसका लेआउट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेआउट का मतलब रहता है आपको स्टाइल चेंज करनी है। ठीक है, इसके बाद ये जैसा है भी आप लोगे उससे रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे, कर लोगे इतना। अब इसके बाद रीसेट ग्राफिक्स, इस पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी थी वो सभी हटाने के लिए अपन रीसेट ग्राफिक्स पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसके अंदर जो भी आपने एडिटिंग कलर वगैरह या जो भी किया होगा वो सब रीसेट हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, नाम वैसा का वैसा लिखा रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस
अंदर फॉर्मेटिंग रीसेट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ जो स्मार्ट आर्ट है उनमें इस तरह से पिक्चर का ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ पर पिक्चर का भी यूज कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आपके सामने पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप कहाँ से लेना चाहते हो, ऑफलाइन लेना चाहते हो या ऑनलाइन लेना चाहते हो? ऑनलाइन लेना चाहते हो तो सर्च करो, ऑफलाइन लेना है तो आप सिलेक्ट करो जहाँ भी आपकी पिक्चर्स हैं। एप ड्राइव में है, ठीक है, हम यहाँ पर पिक्चर सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। अब इसका क्या यूज है, पिक्चर क्यों ले रहे हैं? जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप उसकी पिक्चर भी ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए ज्यादातर इनका यूज क्या रहता है, बुक्स वगैरह में किया जाता है। अब जैसे अपन छोटे बच्चों की कोई बुक्स बना रहे हैं, अपन ने यहाँ पर लिख लिया लॉइन, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसका इमेज भी लगा सकते हो जिससे वो और अच्छे से समझ सकते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, तो अपना ये जो लेआउट ऑप्शन डिजाइन टैब है ये कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है करके देख लेना, यदि कुछ नहीं आए तो फिर पूछ लेना। अब इसके बाकी अगला इसमें देखिए, अब जैसे ही आपने पिक्चर ली तो यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब बढ़ गया, तो यहाँ से आप पिक्चर की जो है पिक्चर की एडिटिंग कर सकते हो। अगर पिक्चर सेलेक्ट है, जैसे कि पिक्चर में कुछ इफेक्ट वगैरह डालना है, कुछ करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद अगला है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी जैसी शेप की फॉर्मेटिंग है और पिक्चर की फॉर्मेटिंग है वैसी इसकी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने लिए हुए हैं ये भी क्या है, शेप्स है, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है सिलेक्ट क्या है। जैसे कि अगर यहाँ पर सिलेक्ट है तो कोई भी आप फॉर्मेटिंग करोगे तो किसमें होगी, जो शेप सिलेक्ट है। यदि ये वाला शेप सिलेक्ट है तो फॉर्मेटिंग किस में होगी, इस शेप में। अगर आपको एक साथ सभी में करना है तो क्या करोगे, आप यहाँ से सिलेक्ट करो, यहाँ से तो ऑप्शन नहीं खुल रहा है, यहाँ पर आप जाइए शेप फिल पर, ये किस में हो रही, पीछे, जो पीछे भी क्या एक शेप है उसमें हो रही। अगर आपको तीनों शेप में एक जैसी फॉर्मेटिंग चाहिए, एक जैसा कलर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तीनों को एक साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक साथ सिलेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, कंट्रोल की, हाँ शिफ्ट का भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पर। जैसे कि हमने शिफ्ट की को दबाया और यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल की को दबाओगे तब भी कर सकते हो, ठीक है, तीनों में दोनों की से कर सकते हो। अब आप यहाँ से एक शेप में कोई भी कलर लोगे तो तीनों में। और अगर आपको एक में ही करना है, जैसे कि आप चाहते हो ये दो में अलग होना चाहिए और दो में अलग होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट की या कंट्रोल की को दबाओगे और दो दो से एक सिलेक्ट, दो नहीं है। अब हम यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग करेंगे तो क्या होगा, दो में हो जाएगी और दो रह जाएंगे, ठीक है, इस तरह से कर सकते। आ गया समझ में, इतना क्लियर है? अब इसके बाद शेप फिल, शेप आउटलाइन, आउटलाइन में करना है शेप इफेक्ट, शेप में कोई इफेक्ट वगैरह डालना है, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन किसके लिए, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके लिए, तो यहाँ से आप टेक्स्ट में कर सकते हैं। इसके बाद ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन आ जाएंगे। फिर इसके बाद अरेंज वाला ऑप्शन है, आपको जो भी पिक्चर में पड़ा था वही ऑप्शन है, कर लोगे या फिर हम बता दें कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला साइज वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप इनकी साइज बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। दो साइज शेप सिलेक्ट है तो दोनों की हो रही है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसके बाद हमने कंट्रोल जेड से इसको नॉर्मल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस बता देते हैं क्योंकि ये उसमें नहीं है। इसके बाद अगला है यहाँ पर चेंज शेप, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हमें इसका शेप चेंज करना है, अभी देखिए ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, अब हो गया। यहाँ से जाकर जैसा उसमें तो हमने शेप्स में पढ़ा था, आप शेप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी नहीं आया समझ में, इसके पीछे का जो शेप है, इसके पीछे भी एक शेप है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, येलो, ये भी एक शेप है। अब आपको जो भी, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला शेप सिलेक्ट किया, यहाँ पर गए हम चेंज शेप पर और हमने इस शेप को चेंज कर दिया ऐसे, ठीक है, शेप चेंज कर सकते हो। उसके अंदर जो लिखा है वो वैसा का वैसा रहेगा, बस शेप चेंज हो जाएगा। अभी हमने एक किया, अगर आपको तीनों चारों करने हैं तो क्या करोगे, चारों सेलेक्ट करो शिफ्ट के साथ या फिर कंट्रोल के साथ, ठीक है। इसके बाद अगला है लार्जर और स्मॉलर। जैसे कि हमारा ये वाला शेप सिलेक्ट है, लार्जर पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होगा, स्मॉलर पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा होगा। अभी एक ही शेप सिलेक्ट है इसलिए एक हो रहा है, तीनों करने हैं आपको तो क्या करना पड़ेगा, तीनों को सिलेक्ट करो, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब और कुछ पूछना है, शेप्स स्मार्ट आर्ट में और कुछ पूछना है किसी को?
ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, बाकी सभी ऑप्शन क्लियर है। अब हमने यहाँ पर नहीं बताया तो आप ऐसा मत करना कि आप रिवीजन नहीं करो। आप अभी नीचे जाओगे, डिजाइन टैब का पूरा रिवीजन करना, फॉर्मेट टैब का पूरा रिवीजन करना, पूरा मतलब यहाँ से ये वाले ऑप्शन, बाय डार्ट स्टाइल वाले ऑप्शन, अरेंज वाले ऑप्शन और साइज वाले ऑप्शन, ठीक है। फिर इसके बाद आप नहीं आए अगर पूछ लेना, ठीक है, फिर भी नहीं आए तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर आकर पूछ लेना, ठीक है। लेकिन आपको आने चाहिए सारे ऑप्शन, ठीक है, अरेंज वाले भी और यहाँ पर साइज वाले भी, सभी ऑप्शन का रिवीजन करना। ये हो जाए फिर इसके बाद आप पुराना रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब कल हम आपको बताएंगे चार्ट ऑप्शन। अभी किसी को कुछ पूछना है क्या? क्या डॉक्यूमेंट सेव करना नहीं बताया अभी? बहुत दिन हो गए। चलिए बता, अभी थोड़ा सा बता देते हैं, कल हम डिटेल्स में बता दें। जैसे कि आपने ये स्मार्ट आर्ट बना लिया, ये बहुत जरूरी है, आपने हमें याद क्यों नहीं दिलाया? शेप करना, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हो, मान लो हमने ये बना लिया है, स्मार्ट आर्ट ही बना लिया है, ठीक है। अब हम अगर इसको क्लोज कर देंगे और या फिर बाई चांस लाइट चली गई या कुछ हो गया, चला जाएगा। अब आपको शेप करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि यदि आप सेव नहीं करोगे डॉक्यूमेंट, सेव कर देते हैं तो क्या रहता है, वो मेमोरी में सेव हो जाता है। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था एक रैम होती है और एक हार्ड डिस्क होती है। तो अभी अपन जो भी इसमें वर्क कर रहे हैं एमएस वर्ड में, हम आपको समझा रहे हैं, कोई भी चीज लेते हैं डिलीट कर देते हैं, ये सभी किसमें काम चल रहा है, रैम में चल रहा है। अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो ये किसमें चला जाएगा, हार्ड डिस्क में। सेव कर देंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम सेव करने के लिए क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे और यहाँ से आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है सेव का और एक आता है सेव एज का, ठीक है। या फिर आप कंट्रोल के साथ एस दबाओगे तब भी ये ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन कंट्रोल एस से कब आएगा, जब आप इस डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव कर रहे हो तब, ठीक है। अगर यहाँ पर दो ऑप्शन क्यों दिए गए हैं ये भी हम आपको बताएंगे, देखिए, ठीक है। फाइल पर जाएंगे, सेव एस पर क्लिक करेंगे। अभी फर्स्ट टाइम आप सेव पर क्लिक करो या सेव एस पर क्लिक करो, हमेशा सेव एस ही आएगा, ठीक है। सेव एस का मतलब रहता है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हो, और ये जो सेव ऑप्शन दिख रहा है इसका मतलब ये रहता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट आपने सेव कर दिया, जैसे कि आज हमने यहाँ पर सिर्फ आपको स्मार्ट आर्ट अकेला हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। इसमें हमने यहाँ से कोई एडिटिंग कर दी है, इसमें अब हमें कल आकर इसमें कोई चीज और ऐड करनी है, बुक टाइप करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो एक दिन में तो आप कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो क्या करना पड़ता है, उस डॉक्यूमेंट को अपन को सेव करके जाना पड़ता है, जिससे कल आकर वो अपन जैसा छोड़कर गए थे वैसा का वैसा अपन को मिल जाए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर जाकर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपके सामने ऑप्शन दे देगा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी आपके सामने ऑप्शन मिलेगा, एक होता है बन ड्राइव। बन ड्राइव जैसे कि ईमेल आईडी होती है उस तरह की आईडी होती है, तो उसमें अपन अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन इन का ऑप्शन दे रहा है, पहले साइन इन करो फिर कर सकते हो। हम अभी क्या चाहते हैं, हमारे कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे कहाँ सेव करना चाहते हो। अगर आप डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हो तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करो, देखो यहाँ पर आ रहा है, उसकी लोकेशन आ रही है डेस्कटॉप की, लोकल डिस्क सी यूजर्स आईसीआईसी डेस्कटॉप, ठीक है, हम डेस्कटॉप में नहीं करना चाहते। जी ड्राइव में करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए दिस पीसी लोकल डिस्क जी खुल गई है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई जगह पर सेव करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्राउज पर जाएंगे। ब्राउज पर जाने के बाद यहाँ पर अभी किसमें बता रहा है, यूजर्स आईसीआईसी डॉक्यूमेंट्स, हम यहाँ से सी ड्राइव को छोड़कर और इन छह फोल्डर्स को छोड़कर किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं। क्यों, बताया था आपको सी ड्राइव में हमारी विंडो रहती है और जो सभी सॉफ्टवेयर रहते हैं उनका डाटा रहता है, और ये जो छह ये फोल्डर होते हैं, जैसे हम यहाँ पर दिस पीसी पर क्लिक कर लेते हैं, ये जो छह फोल्डर होते हैं इसी ड्राइव की मेमोरी ही यूज करते हैं, डेस्कटॉप डाउनलोड्स म्यूजिक डॉक्यूमेंट्स वीडियो और पिक्चर। इसलिए अगर अपन इनमें सेव करेंगे तो इसका मतलब है आप सी ड्राइव में ही सेव कर रहे हो, इसलिए हमको हमें सी को छोड़कर डी में ई में किसी में भी आप कर सकते हो। तो हम यहाँ से डी ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे ही सेव कर दोगे तो क्या होगा, यही सेव हो जाएगा, लेकिन अब आप रोज ही सेव करोगे, बहुत सारी चीजें सेव करोगे तो भर जाएगा, ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप इस तरह से फोल्डर बनाकर कर सकते हो, जैसे कि ये बना हुआ है 2.5 से 3 एम एस वर्ड, 3 से 3.5 क्लास, ठीक है। तो इससे क्या होगा,
ये आपको मिल जाएगा। आपको पता है आपकी जो फाइल है वो इस फोल्डर के अंदर है, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे भाई के भाई और यहाँ पर न्यू पर जाओगे, ठीक है, और यहाँ से न्यू फोल्डर पर चले जाओगे, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है न्यू फोल्डर का, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए फोल्डर आ गया। अब हम यहाँ से 12 से 12:30 लिख देते हैं, आप अपना नाम लिख देना। और हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे, या डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पर देखना है आपको फोल्डर सिलेक्ट है। अब हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, नाम आप ये भी रख सकते हो, लेकिन हम नाम चेंज कर देते हैं। इसमें हमने बनाया स्मार्ट आर्ट, तो हम इसको लिख देते हैं स्मार्ट आर्ट। नाम चेंज करना क्यों जरूरी है, अगर आपने बहुत सारी फाइल्स बना ली और उनको नाम हर कुछ दे दिया, और अब आपको कभी कुछ फाइल चाहिए ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको नाम दिया है हमने स्मार्ट आर्ट नाम दे दिया, तो आपको पता है इसके अंदर स्मार्ट आर्ट है, ढूंढ सक मिल सक मिल जाएगी। अगर हमने इसको डॉक्यूमेंट वन डॉक्यूमेंट टू इस तरह से कुछ भी नाम दे दिया होता तो क्या होता, हमें ढूंढना पड़ता, मिलती नहीं हमें, ठीक है। इसलिए अपन को जैसा नाम, जैसा उसमें आपने काम किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको नाम दिया करो फाइल को, ठीक है। हम यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज, और यहाँ पर जब भी आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पर ऐसे डॉक्यूमेंट वन या डॉक्यूमेंट टू या इस तरह से कुछ लिखा हुआ आएगा, वो क्या रहता है, वर्ड की, एमएस वर्ड की जो फाइल रहती है ना वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। इसलिए यहाँ पर डॉक, हमने आपको बताया था क्या DOC, ये जो हमारी एमएस वर्ड होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .doc, ठीक है। वर्ड के अंदर जो भी फाइल बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट या फिर डॉक कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पर डॉक लिखा हुआ आता है। देखिए सेव एज का है, बट डॉक्यूमेंट आ रहा है, हम यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कोई भी चीज सेव करते हो और उसको नाम देते हो तो टाइटल बाद में उसका नाम यहाँ पर शो करता है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेते हैं। अब अपन देखते हैं, अभी देखिए एमएस वर्ड नहीं खुला है। अब अपन क्या करते हैं, जिस पीसी में जाते हैं डी ड्राइव में, हमने फोल्डर बनाया, अगर हम ऐसे ही सेव कर देते ढूंढना पड़ता, हमने फोल्डर बनाया था यहीं पर आ रहा है नाम 12 से 12:30 एमएस वर्ड। अब मान लीजिए इस पर हमने डबल क्लिक किया, इसमें भी आपने बहुत सारी फाइलें बनाई है तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने इसको भी नाम दिया था। डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर आप इसमें कोई एडिटिंग करते हो, जैसे आपने इसकी कोई फॉर्मेटिंग कर ली है या फिर जो भी आपको करना था, जैसे हम यहाँ से डिजाइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये फॉर्मेटिंग कर ली, अब आप चाहते हो कि उसमें सेव हो जाए तो हम क्या करेंगे, या तो फाइल पर जाकर सेव पर क्लिक कर देंगे, अगर आपको किसी नई जगह पर क्लिक कर सेव करना है तो आप सेव एज करोगे। अगर आप चाहते हो हमने इसमें जो भी एडिटिंग कर ली है इसको उसमें ही सेव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम या तो कंट्रोल एस कर देंगे या फिर हम फाइल पर जाकर सेव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। पहले हमने कंट्रोल एस किया था तो देखिए सेव एस का ऑप्शन आ गया था, अब नहीं आ रहा क्योंकि हमें उसी डॉक्यूमेंट में वर्क करते जाएंगे और हम सेव करते जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जब आप एमएस वर्ड खोलोगे तो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, रिसेंट प्लेसेस में आ जाता है, मतलब आपने जैसे आज खोला है आप 2 घंटे बाद फिर खोलना चाहते हो तो यहीं पर आ जाता है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कल हम आपको ये और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है, अभी टाइम हो गया, आपने और कुछ पूछना है क्या, अभी इतना समझ में आ गया सेव करना।